नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जी हां, इस वक्त की खबर आपको बता दें, फिरोजाबाद से एसआरके डिग्री कॉलेज में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में बताया, छात्रों के एडमिशन की डेट बढ़ा दी गई है। जो भी छात्र दाखिला लेना चाहते हैं वह जल्द से जल्द अपना आवेदन कर दें। ये आवेदन ऑनलाइन होंगे। साथ ही ये भी बताया कि बच्चों के लिए ऑनलाइन नोट्स भी हमारे पास मौजूद हैं। बच्चे अपना आवेदन अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन, साइबर कैफे जाकर तथा अन्य तरीकों से भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं परीक्षाएं पूर्व की भांति ऑफलाइन ही होंगी। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। में व्यस्त हैं, रेगुलर क्लासेज अटेंड नहीं कर पाते थे। जो लोग रेगुलर क्लासेज अटेंड नहीं कर सकते हैं उनके लिए इग्नू से पढ़ाई करना आसान है, क्योंकि वो घर बैठे हुए इग्नू का स्टडी मटेरियल लेकर के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें साल में दो बार परीक्षाएं होती हैं, दो सेमेस्टर में होती हैं, अपनी तैयारी करेंगे और उसमें परीक्षा दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस वर्ष एसआरके कॉलेज ने इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, तो इग्नू के पूरे देश में 56 रीजनल सेंटर हैं। यूपी में इसके 4 रीजनल सेंटर हैं, एक नोएडा में, एक अलीगढ़ में, एक लखनऊ में और एक वाराणसी में। तो जो फिरोजाबाद जनपद है वो रीजनल सेंटर अलीगढ़ के क्षेत्र में आता है, तो रीजनल सेंटर अलीगढ़ के माध्यम से हम लोगों ने इग्नू को अप्लाई किया। तो इग्नू ने जो BA, BCom, MA, MCom की मान्यता दी है, MA में 4 विषयों में मान्यता दी है, MA सोशियोलॉजी, MA हिंदी, MA हिस्ट्री और MA पॉलिटिकल साइंस। अभी चूंकि कोरोना के कारण अप्रूवल लेट मिला है, लेकिन अभी भी 3 दिन का समय शेष है, 11 लास्ट डेट है। तो जो भी लोग व्यापार में लगे हुए हैं, पत्रकारिता में लगे हैं, सर्विस में लगे हैं, बैंक में लगे हैं, यदि वे चाहें तो इग्नू की साइट पर जा कर के एसआरके कॉलेज सेंटर ऑप्ट कर सकते हैं और जिन कोर्सेज की मान्यता मिली है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर राजीव अग्रवाल, जो अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स में हेड हैं, उनको कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। बाकी शेष जानकारी डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी देंगे। यहाँ कोरोना की वजह से दिक्कत आ रही थी, उन्होंने डेट बढ़ा दी है और 11 तारीख तक जो बच्चे चाहें वो इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे खुद अपने घर से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, साइबर कैफे से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ जाकर इग्नू के पोर्टल पर, एडमिशन पोर्टल पर जाकर वो वहाँ अपना कोर्स चुन सकते हैं। कोर्स में जाकर वहाँ जब अपनी बायोडाटा वगैरह फीड करेंगे सारा, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा सेंटर चूज करने का। सेंटर बहुत सारे आएंगे, उसमें वो एसआरके पीजी कॉलेज सेंटर चूज कर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ीस जमा होगी, ऑनलाइन फ़ीस जमा करने के बाद उनको वहाँ से मटेरियल पूरा प्रोवाइड किया जाएगा, सारा प्रोवाइड स्टडी मटेरियल इग्नू प्रोवाइड कराएगी। और मटेरियल के दो ऑप्शन हैं, वो चाहें तो मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं। अगर वो सॉफ्ट कॉपी मांगेंगे तो सॉफ्ट कॉपी उनकी मेल आईडी पे आ जाएगी, उसमें उन्हें 15% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर वो हार्ड कॉपी चाहेंगे तो हार्ड कॉपी उनके पोस्टल एड्रेस पर आएगी और वहाँ हार्ड कॉपी उनके पोस्टल एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगी, उससे वो अपनी स्टडी करेंगे। और फिर भी उन्हें स्टडी में अगर कोई डाउट होगा तो सैटरडे और संडे में उन्हें यहाँ काउंसलिंग होगी, काउंसलर होंगे जो रजिस्टर्ड काउंसलर हैं हमारे इग्नू के पोर्टल पर, वो उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनके डाउट्स क्लियर करेंगे। सैटरडे और संडे के 2 दिन में उन्हें ये प्रोवाइड कराया जाएगा। इस तरह से वो सेमेस्टर सिस्टम से अपना एग्ज़ाम टाइम से देंगे। ये इग्नू की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि टाइम से एग्ज़ाम होगा, टाइम से मार्कशीट होगी, टाइम से सर्टिफिकेट होगा, सारी चीज़ें विद इन टाइम होंगी। इसमें कोई डिले डिफ़िकल्टी या कहीं यूनिवर्सिटी के चक्कर नहीं काटने बच्चे को, ये सबसे मेन काम है और मान्यता प्राप्त है। ये कहीं भी किसी भी जॉब के लिए, इवन सिविल सर्विसेज के लिए वो क्वालिफाइड है और हर जगह मान्यता प्राप्त डिग्री है। ये सब जैसे सब जब काम ऑनलाइन होंगे तो परीक्षा भी ऑनलाइन कराई जाएगी? नहीं, परीक्षा उन्होंने हमेशा ऑफलाइन ही कराई है। इसमें अभी पिछले टाइम भी ऑफलाइन ही कराई है, परीक्षा ऑनलाइन नहीं कराई है। हाँ, काउंसलिंग जरूर ऑनलाइन कर दी थी उन्होंने, जैसे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन काउंसलर ने काउंसलिंग की थी, उसका उनके पोर्टल पर फैसिलिटी है। तो अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दिक्कत होगी तो काउंसलिंग हम ऑनलाइन करा देंगे।